जो इंसान गुनाह करेगा उसे मुझसे डरना होगा, क्योंकि अब से डर का नया नाम है डॉक्टर शक्ति रामस्वामी। जिंदगी का हर सुख छोड़कर इस विश्वास के साथ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो समाज की भलाई के लिए कर रहे हो, डॉक्टर श्रेया तुम्हारे इस जुर्म में तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। वो तुम्हारे साथ प्यार की वजह से या इसी डर की वजह से? डर से भयानक चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती, सही है ना डॉक्टर? अपनी मर्यादा में रहकर मुझसे बात कीजिए मिस्टर मैथ्यू। तुम इंसानी मर्यादा बहुत पहले पार कर चुके हो, तो अब तुम मुझे क्या पढ़ाओगे मर्यादा का पाठ? हाँ सर, पार कर चुका हूं मैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कोर्ट की सजा, सरकार का फैसला, ये सब सही होते हैं, लेकिन असल में ये सिस्टम नहीं है जो फैसला करता है, ये काम तो ताकतवर लोग करते हैं। अगर कोर्ट की बात करें तो 2-3 जज, सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री, धर्म की बात करें तो पंडित, इन सब लोगों का फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है और वही कानून होता है। इसीलिए जो भी मुझे सही लगा मैंने वही किया। जिन शब्दों का प्रयोग अभी तुमने किया है, दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे, और मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत है कि उनका क्या हश्र हुआ था। कम ऑन सर, हमें भी अभी एक डिक्टेटर की जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है कोई मेरे जैसा। गलत लोगों की अंधभक्ति करने से ज्यादा बड़ी बेवकूफी दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती, और इसे लगता है यह कानून से बड़ा है, और मुझे बहुत दुख से यह कहना होगा कि ये एक पागल है। मैं पागल हूं। श्रेया, तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्हें लगता है कि मैं पागल हूं। जो लोग पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके कानून के हाथों से बच निकलते हैं, तुम उन लोगों को सजा देना चाहते हो? तो फिर तुमने उन 3 बेकसूर पुलिस वालों को क्यों मारा जो डीजी के सिक्योरिटी गार्ड थे? वो मैं रोक नहीं पाया, एक अच्छे काम के लिए एक छोटा सा बलिदान। और उन परिवारों का क्या जिन्हें तुमने अनाथ कर दिया? उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? तुम्हारा न्याय सीमित है डॉक्टर, और ये लड़की भी तुम्हारे लिए उन्हीं जैसे लोगों की तरह होगी, एक और छोटा सा बलिदान। मिस्टर मैथ्यू, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी ये चाले मेरे साथ मत खेलिए। जिंदगी एक घिनौना मजाक है डॉक्टर, जीनी पड़ती है। यू नो दैट आई नो इट। यस डॉक्टर, आई नो दैट यू नो इट। मैं भी अब तक इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुमसे मिलूंगा। पर तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो इसे इस दर्द से मुक्त कर दे। अब और नहीं, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता। मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूं। जिंदगी में मैंने कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं किया। मेरा सपना अधूरा मत रहने देना। वादा करो कि वो स्कूल बनवाओगे।
इसे इस दर्द से मुक्त कर दे। आपकी पत्नी की मौत के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपका फैसला सही था। अगर सोचा जाए तो आपने भी वही किया जो इंसाफ था। आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, इसीलिए मैंने सारे सबूत मिटा दिए। यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, दया के कारण हत्या, कानून के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, फिर भी आपने ऐसा किया। मैंने भी तो वही किया ना। वो मुजरिम जिन्हें हमारा कानून सजा ना दे पाया, वो दरिंदे जो मौत की सजा के लायक थे, मैंने उन्हें मारा। बल्कि आप ही की तरह मैंने भी कानून तोड़ा है। अब बताइए मुझे, हम में से विलन कौन है, आप हैं या फिर मैं? तुम गलत हो डॉक्टर, हम एक जैसे बिल्कुल नहीं।